हाय गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 3। और अब हम लोग जा रहे हैं ऊटी की तरफ और अभी हम निकल चुके हैं। ये हम आ गए जंगल एरिया में, ये रे डियर्स। हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। जंगल में डियर के अलावा तो और कुछ दिखा नहीं अभी तक हमको, पता नहीं कहाँ मर के बैठ गए सारे। अभी ऐसे ना बच गया, ये बोल रहे थे कि अगर सुबह सुबह आते हैं ना तो सुबह सुबह यहाँ पे फोन छीन जाते हैं एनिमल्स। नहीं छीनेंगे, नहीं छीन सकते एकदम से। तो सुबह सुबह अगर 6 बजे अराउंड तो फिर वो टाइगर वाइगर भी आते हैं, टाइगर एलिफेंट वगैरह, बट अभी तो दिखे नहीं। एलिफेंट जोन से तो निकल ही चुका हूँ, कुछ ना दिखा। अगर हमने चेक करा था, अगर हम रात को आते तो रात को 7 घंटे का रास्ता, क्योंकि जंगल वाला एरिया बंद कर देते हैं रात। और अभी वैसे रास्ता 3 घंटे का है, अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो 7 घंटे का था। मुझे पहाड़ दिख गया ऑलरेडी, सुंदर लग रहा है गाइस। हाथी दिख गया, हाथी दिख गया, ये रहा हाथी। हाथी आ गया, हाथी आ गया, आगे आगे डियर्स भी है। गाइस थोड़ा पास से देख रहे थे डियर्स को, ये रे डियर्स। हाय डियर्स, सींग नहीं लगे पड़े पर वही आगे वाले के लगे। गाइस अभी ना मैंने देखा पहाड़ एक, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम आगे जाते हैं जैसे ही थोड़ा सा, फिर से जंगल एरिया यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा क्रॉस करते हैं ना फिर आता है। मैंने देखे इतने सुंदर लग रहे थे वो पहाड़, तो मैंने सोचा एक बार दिखाऊंगा आपको। गाइस आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, हमको इन पहाड़ की ऊंचाइयों पे जाना है। ये देखो गाइस, ये जो आप देख सकते हो ना, दिख रहा है बहुत सही दिख रहा है। ये जो आप देख सकते हो ना, ये पहाड़, ये यहाँ इनकी ऊंचाइयों पर जाना है। सो अब हम कर्नाटक से हटकर, कर्नाटक से निकल कर आई मीन अब हमने स्टेप करा है तमिलनाडु में। बंदर है अब हम रास्ते में, अभी और बहुत तेज लगने वाली है और मुझे बहुत नींद आ रही है। दिस इज नीलगिरी हिल्स। क्या कैसे रास्ता अच्छा है नीलगिरी ट्रीज? ओह माय गॉड, बड़े लंबे लंबे। गाइस अभी हम रुके हैं बीच में, यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट है, ये लोग कह रहे हैं ये व्यू पॉइंट है, पर हम तो गाड़ी से नहीं उतरे, हम तो पीछे बैठे हुए हैं मस्त गाड़ी में। ये लोग मम्मी पापा वगैरह पीछे गए हैं व्यू पॉइंट में फ़ोटो खींचने। यहाँ पे एक पाइन एप्पल वाली आंटी दिखी है पीछे, ये पाइन एप्पल दे रही है, दिख रहा होगा इधर से, देखती हूँ इधर ये रहा। तो अभी पाइन एप्पल खाया हमने, अब एक बार मैंगो ले रहे हैं और मैंगो खा रहे हैं। ये थोड़ी थोड़ी भूख सी लगती है बस, फिर अभी यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा है, सुबह के निकले हैं, 6 बजे के उठे पड़े हैं। आई थिंक अब टाइम 10 अराउंड तो बज गए पर पहुँचे फिर भी नहीं है। 11 बज गई है, पहुँचे हम फिर भी नहीं है। वाह व्हाट अ व्यू, लुक एट इट, शिट वाओ ब्यूटीफुल। गाइस यहाँ पे टी कॉफी बनती है, वाह गाइस। अब हम उतरे हैं बीच पे, मतलब बीच में उतरे हैं, बीच नहीं है ये, पहाड़ी है। एंड यहाँ पे है कलहट्टी फॉल्स, फिल्म शूटिंग हिल्स और रॉक व्यू पॉइंट समथिंग है। बोट हाउस भी है, बोट हाउस भी है, ऐसे सब कुछ है। तो एक बार बस हम देख कर आते हैं, अब देख नहीं जा रहे हैं, उतर गए हम, देखते हैं कि कैसा क्या है और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो मैंने अभी आम लिया है, आओ चलो। तो ये मैंने अभी मैंगो लिया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंगो लिया था, यही ऐसे यहाँ पे काट के मैंगो में। वो रही मम्मा आ गया है। तो मैंने मैंगो लिया था,
तो मैंगो में ना पहले भी ऐसे ही वो नमक और क्या बोलते हैं लाल मिर्च पूरा डाल के देते हैं अंदर, मिर्ची वाला। ये है वो वाटरफॉल्स, बस यही है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है इसके लिए, उधर जाके लोग फोटो खिंचा सकते हैं। दैट्स इट। गाइस ये है ट्री पार्क, इसको बोलते हैं ट्री पार्क। पीछे एक और था शूटिंग स्पॉट, जो कि हम कहीं नहीं है, हम सीधा जा रहे हैं लोकेशन पे। बट आप लोग देख लो ट्री पार्क। वी हैव रीच्ड द होटल, हमने गेस्ट हाउस लिया है क्योंकि हम यहाँ पे बस एक ही दिन रहने वाले हैं। सो दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम एंड यहाँ का ये व्यू है। द व्यू लुक्स सो प्रिटी। ये क्यूट सा मेरा होगा, बाकी ऐसे बहुत सारे रूम्स हमने लिए। एक सामने रूम है, एक मेरी बहन और जीजू का, और एक मेरी मम्मी पापा का। ओह ये कितना प्रिटी है। सब चाहिए देखो, अरे बहुत बढ़िया। उसमें भी तो है, नहीं मेरा उसमें नहीं है, सामने तेरे वाले में नहीं है। जाने तेरे वाले में मैं आएंगे नहीं, क्यों अभी मैं जब मैंने साथ में सोने को बोला था तब नहीं माने। नहीं नहीं ये रूम मेरा हो। सो गाइस वी आर रेडी नाउ एंड अभी हम पूरा ड्रेस अप हो गए ऐसे, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, मुझे ऑलरेडी कोल्ड हो गया। तो अब हमने अच्छे से स्वेटर वगैरह पहन लिए और अब हम बाहर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। एंड नाउ लेट्स गो गाइस। तो अब हम सारे आ चुके हैं यहाँ पर, ये हमारे पीक जा रहे हैं, पीक पर जा रहे हैं, पीक पॉइंट पे जा रहे हैं बिल्कुल, जो मतलब जहाँ से पूरा दिखता है सारा व्यू एंड ऑल। सो या देखते हैं कि कैसा होता है। वाओ ब्यूटीफुल। सो वी आर ऑन द टॉप राइट नाउ एंड ये व्यू है यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अब हम लोग निकल गए वहाँ से पॉइंट से और हमने भुट्टा वगैरह भी खाया और अब हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री जहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह बनती है। तो मेरा बहुत मन था जाने का, ऊपर से मेरा बहुत मन था जाने का और चलो वहाँ चलते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, मैं लेके भी आऊंगी बहुत सारी चॉकलेट्स। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और वो दिखा रहे हैं कि चॉकलेट्स कैसे बनती हैं। बहुत यम स्मेल आ रही है, बहुत यम। तो ये चॉकलेट हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं, हम खा रहे हैं, है तो बहुत यम, बहुत यम है। 30 रुपीज की एंट्री जीएसटी पर पर्सन और जो भी आता है देखते हैं चॉकलेट फैक्ट्री में, हमको चॉकलेट बार भी मिली है। हम 8 लोग के टोटल, तो हम 8 को मिलते हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आता है वैसे। तो अब हम जा रहे हैं टी फैक्ट्री। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चाय पीने के लिए, कुछ करने नहीं दे रहे। ये है चाय, सब चाय पी रहे थी सारी। लोग गए थे अभी चॉकलेट खरीदने और अब हम चॉकलेट खरीद चुके हैं और अब हम उधर से बाहर निकल रहे हैं।
और हाँ जी अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हमने काफ़ी शॉपिंग करी है, सब कुछ ले लिया है, चाय भी ली हमने एंड हमने वो भी लिया है, क्या बोलते हैं, चॉकलेट्स लिए हैं, चॉकलेट के डब्बे लिए हैं, चॉकलेट की बार्स लिए हैं, बहुत सही था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, तो देखते हैं और मैं लेके चलती हूँ जहाँ भी जा रही हूँ। बारिश भी हो रही है अब तो, तो जैसा कि आप लोगों को पता है शर्ट पकड़ने वाली थी, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग मार्केट आए थे, तो मार्केट में हम ना यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे, तो अभी हमने यहाँ पर आकर कड़े वगैरह देखे हैं, तो अभी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, 4-5 दिन बाद मम्मी का बर्थडे है, तो हम मम्मी को कड़ा लेके दे रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अब इन दोनों में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये है एक एंड इन दोनों में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एक रिंग मुझे और पसंद आई थी पर उसका साइज नहीं है थोड़ा, ये पार्टी में भी पहन पाओगे। चलो बस फाइनल चलते हैं लेकर गाइस इसको, वी आर हियर टू टेक खाना, डिनर, इट्स डिनर टाइम। तो ये गेस्ट हाउस में ये सब बना है, सांभर एंड ऑल ऑफ दिस, तो मैं डालती हूँ और फिर मिलते हैं। ये है रसम, चावल और पापड़ एंड अचार एंड ऑल्सो यस लस्सी भी है, लस्सी। तो खा के फिर मिलती हूँ। तो हम लोगों ने खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने रूम की तरफ। एक तो मेरे को गर्वित के साथ पटक दिया है रूम में, नीचे आया अभी नहीं, अभी खाना वैसे खाने चलते हैं ऊपर। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं सोने जा रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स कल नेक्स्ट व्लॉग शुरू होने वाला है क्योंकि अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। जैसे फर्स्ट डे वो था ट्रैवल का, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन बैंगलोर, बैंगलोर तो अभी खैर मुझे फिर से जाना है, मैं जाऊँगी बैंगलोर तो 4 दिन और, बट फर्स्ट बैंगलोर आई थी मैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैवल किया टू मैसूर, फिर मैं रुकी मैसूर, हमने घूमा वगैरह, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमने ट्रैवल किया टू ऊटी, अब हम ऊटी आए। अब अगले दिन मतलब कल सुबह हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं कोन्नूर, कोन्नूर करके जगह है एक, कोन्नूर बोलते हैं शायद सी से, कोन्नूर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं एंड कल सुबह निकलेंगे। अब हम 9 बजे अराउंड क्योंकि सुबह खाना खा के जाएंगे। तो यप, डोंट फॉरगेट टू वॉच अनदर व्लॉग एज वेल जो आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप अब तक देख रहे हो तो, एंड स्टे ट्यून्ड।